जीएल मेंस 29 जनवरी का ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड बीसी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। इफ एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 29 डिग्री देन एंगल बीएडी इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक सर्किल है और यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी ये एक साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये जो बी सी है ये क्या है, सर्किल का डायमीटर है। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है एंगल बी ए डी, यानी इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का ये जो ए एंगल है बी ए डी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज तो दिया हुआ है कि ये एंगल डी बी सी जो है ये 29 डिग्री का है और बी सी क्या है, डायमीटर है। तो आप जानते हो कि सर्किल का डायमीटर है और इससे इन दोनों पॉइंट से डायमीटर से अगर सर्किल के किसी पॉइंट पे से कोई हम एंगल, कोई ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, एक समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो यानी ये जो एंगल होगा बी डी सी ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल बी डी सी जो क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि ये बी सी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल है। अब आप जानते हो ये 29 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है बी सी डी ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 29 माइनस 90, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज अगर हम देखें ट्रायंगल डी बी सी किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री और 29 डिग्री, तो एंगल ये सी क्या हो जाएगा बी सी डी, ये हो जाएगा 180 माइनस 29 माइनस 90 यानी 61 डिग्री। अब हमें ये 61 डिग्री पता चल गया, तो अब हमें इसको फाइंड आउट करना है एंगल बी ए डी क्या होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हो कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ये एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी ये क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इसका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमें निकालना, यही एंगल तो निकालना है, एंगल बी ए डी निकालना है, यानी एंगल बी सी डी और एंगल बी ए डी ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल और इसके अपोजिट, इसके अपोजिट कौन सा है, ये एंगल है, ठीक है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज का ये जो एंगल हुआ और ये एंगल दोनों का सम 180 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है, एंगल बीसीडी की वैल्यू 61 डिग्री पुट कर दें तो एंगल बीएडी की वैल्यू आ जाएगी, यानी 180 माइनस 61 इज इक्वल टू 119 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।